जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने चैनल महाकाल के सेवक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज मैं बात करूँगा दुर्गा के बारे में। दुर्गा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दुर्गा एक देवी है और इसमें उनकी गलती नहीं है। ये जितना हम लोगों को बताया जाता है, जितना हम लोग सुनते हैं, जितना हम लोग पढ़ते हैं, हम उसी आधार पर अपने जो बोलते हैं कि दिमाग में विचार पाल लेते हैं। ठीक है, हमें कहा जाता है कि दुर्गा एक देवी है, इसके प्रामाणिक ग्रंथ भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती सबसे बड़ा उदाहरण है माँ दुर्गा के होने का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुर्गा कोई देवी नहीं है तो क्या आप लोग मानोगे? हो सकता है आप लोगों को मेरी बात गलत लग रही हो सकता है कुछ लोगों को मेरे ऊपर इस समय गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन ये वास्तविकता है कि दुर्गा कोई देवी नहीं है, और ख़ासतौर पे एक देवी तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के ख़त्म होने तक यही बताऊंगा कि जिसे आज तक आप लोग देवी समझते हो वो कोई देवी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का एक भ्रम है। और वो भ्रम देने वाले आपको कौन है ये भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्गा के बारे में। दुर्गा का अर्थ होता है, दुर्गा आपको सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, दुर्गा एक गौणिक नाम है। गौणिक का अर्थात होता है जो नाम गुणों के आधार पर दिया जाता हो। ठीक है, दुर्गा का जो अर्थ है वो अर्थ ये है जो दुर्गम संकटों से अपने बालकों की रक्षा करे, वो दुर्गा है। ठीक है, दूसरी बात कि ये कोई देवी नहीं है, ये एक तत्व है, ये एक ऊर्जा का एक प्रकार है। ये ऊर्जा या ये तत्व जिसके अंदर घटित हो जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो दुर्गा बन जाता है। दुर्गा का अर्थ यहाँ पे कोई देवी नहीं है, दुर्गा का अर्थ है वो जो अपने बालकों की दुर्गम संकटों से रक्षा करे, दुर्गम से दुर्गम संकट से भी जो अपने बालकों की रक्षा करे वो दुर्गा है। दूसरी चीज कि दुर्गा एक देवी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिन देवियों की उपासना हम नवरात्रों में करते हैं उन्हें नवदुर्गा नहीं कहा जाता, जो कि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दुर्गा एक नहीं है और दुर्गा नौ है। तीसरी बात, दुर्गा नौ भी नहीं है, दुर्गा अनगिनत है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी के परिवार पे कोई आँच आती है, किसी स्त्री के पति पे कोई आँच आती है या किसी के पुत्र पे कोई आँच आती है, तो वो स्त्री जो है वो दुर्गा बन जाती है। इसका अर्थ यहाँ पे यही होता है कि वो उस समय पर अपने बच्चे को दुर्गम से दुर्गम संकट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तीसरी चीज कि दुर्गा क्या है? दुर्गा अगर हम लोग अपने ग्रंथों के आधार पर विचार करें तो हमारे करीब 18 ग्रंथ, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद, इन सब के अंदर विभिन्न प्रकार के देवी या देवताओं की जो है उपासना विधि या फिर उपासना या फिर उनकी कथा या उनकी लीलाओं का वर्णन जो है वो किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं केवल पुराणों की ही बात करूं तो हमारे 18 पुराण होंगे, हर पुराण का एक नायक है जिसे पुराण पुरुष कहा जाता है, और उस पुराण के अंदर उनकी ही लीलाएं, उनके ही चरित्र का वर्णन मिलता है। लेकिन आप लोग अगर नोट करेंगे तो हर पुराण के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, एक चीज़ जो है वो मूल होती है उस पुराण का, वो होती है पुरुष और प्रकृति। वो तत्व है जिस तत्व के ऊपर पूरा का पूरा पुराण जो है उसका टीका की जाती है। ठीक है, अब ये पुरुष और प्रकृति क्या है? पुरुष और प्रकृति वो मूल ऊर्जाएं हैं, वो मूल तत्व हैं
जो हर व्यक्ति में विद्यमान है। यहीं से तत्वमसि और सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य जो है प्रकट होते हैं। अर्थात कि हर व्यक्ति जो इस संसार में है, हर वो जीव जो अस्तित्व में है, अस्तित्व में था और आने वाले समय में अस्तित्व में होगा, उसके पीछे केवल दो तत्व होंगे, पुरुष और प्रकृति। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सिर्फ पुरुष तत्व के साथ हो या कोई व्यक्ति केवल प्रकृति तत्व के साथ हो। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप पुरुष तत्व की आराधना या उपासना अधिक करते हैं और प्रकृति तत्व की आराधना आप नहीं करते, तो आप शव बनते चले जाएंगे। ठीक है, जिसे आम भाषा में वैराग्य या निर्मल स्थिति कहा जाता है, वो अवस्था एक शव की होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिना शक्ति के शिव भी शव है, तो बिना शक्ति के जब शिव भी शव है, तो केवल शिव को पूज करके या शिव को धारण करके आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं पूर्ण हूं? ठीक उसी तरीके से अगर प्रकृति तत्व की आराधना ज्यादा कर ली जाए या शक्ति तत्व की आराधना ज्यादा कर ली जाए और उसमें पुरुष तत्व की हम उपेक्षा कर दें, तो भी हमारा शरीर जो है पूर्ण नहीं कहलाएगा। कारण क्या है? क्योंकि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को योगाभ्यास करना पड़ता है, उसे अपनी कुंडलिनी का अभ्यास करना पड़ता है, उसे ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के वो उत्पन्न होने वाली मंत्रों की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर पाएगा। और ये शरीर की प्रबलता जो है केवल और केवल योग से ही संभव है। अब भगवान शिव से बड़ा योगी दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। और शक्ति को धारण करने के लिए वो भी निरंतर योगाभ्यास करते हैं, निरंतर वो भी योग में लीन रहते हैं, वो भी ध्यान में लीन रहते हैं। तो बिना शक्ति के शिव की आराधना करो या बिना शिव के शक्ति की आराधना करो, दोनों ही निष्फल हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पूर्व काल में हमारे संतों ने प्रस्तुत किए हैं, जहां पर वो स्वयं शिव हो चुके, जहां पर वो स्वयं शक्ति हो चुके। जैसे कि बाबा कीनाराम की बात कर लीजिए, उन्होंने अपने शरीर को ही शिव बना लिया, उन्होंने खुद को ही शिव बना दिया। आदि गुरु जगत गुरु जी शंकराचार्य हुए, उनको भी उन्होंने भी उस अवस्था को प्राप्त किया जिसमें कि वो स्वयं शिव हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस हुए, जिन्होंने काली की सेवा उस हद तक कर दी थी कि एक समय आने के बाद में वो स्वयं काली हो चुके थे। वामदेव, उन्होंने तारा की आराधना उस सीमा तक करी कि एक समय आने के बाद में वो स्वयं तारा बन चुके थे। ये कारण है, यही रीजन है कि जिस शक्ति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शक्ति बाहर नहीं है, वो शक्ति आपके भीतर ही है। जब आपकी पूजा आराधना, जब आपके भक्ति साधना, जब आपका योग ध्यान उस सीमा को प्राप्त, उस सीमा तक पहुंच जाए, जब आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करके उन्हें अपने शरीर के साथ में समरूप कर देते हैं या उन्हें परमात्मा के साथ में एक रूप कर देते हैं, तब आप ही शिव हैं और आप ही पार्वती हैं, ठीक है। तो हमारे पुराणों में या हमारे वेदों में जो नाम दिए जाते हैं, वो कोई देवताओं के नाम नहीं होते, वो कोई देवियों के नाम नहीं होते, वो गौणिक होते हैं। गौणिक अर्थात उनके गुणों के आधार पर वो नाम उनको मिला है। जैसे कि राम का अर्थ राम है इसलिए क्योंकि वो विश्व के में रमे हुए हैं, जो संसार के कण कण में रमा हुआ है वो राम है, ठीक है। जो विश्व के अणु में वास करे, अणु से भी अणु में जो वास करे, वो विष्णु है। जो ब्रह्मांड की माँ है वो ब्रह्मा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पुराणों में हमें ये नाम दिए गए हैं, ये हमें नाम मिलते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको समझना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती की साधना की जाती है, दुर्गा सप्तशती बहुत लोग उनकी उसकी साधना करते हैं, बहुत लोग उसका पाठ भी करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को जाना है। तो ये भी दुर्गा सप्तशती का एक रहस्य है कि दुर्गा सप्तशती में जितनी देवियों का नाम लिया गया है, चाहे वो चंडी हो, चामुंडी हो, चंडमालिनी हो, मुंडमालिनी हो, कंकाल मालिनी हो, शिवदूती हो, कोई भी हो, वहां पर उनको जब उनकी स्तुति की जाती है, तो वहां पर
एक ही चीज बोली जाती है, दुर्गा। ठीक है, उनकी आराधना वहां पे दुर्गा नाम से ही की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवता रूपी अपनी संतानों के कष्ट को हरने के लिए दुर्गम से दुर्गम संकट का सामना किया और उसका अंत किया, वो दुर्गा है। और जो YouTube पे लोग बोलते हैं कि मैंने दुर्गा का रहस्य जाना है, मैंने काली का रहस्य जाना है, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, ज्ञान इनाम आपिचेतासी देवी भगवती ही सा बालाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यानी कि जो ज्ञानियों की भी बुद्धि को बलपूर्वक माया के वशीभूत कर दे वो महामाया है, वो दुर्गा है। और उसका रहस्य उसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता, त्रिदेव भी नहीं, बड़े से बड़ा देवता नहीं, बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं, बड़े से बड़ा ऋषि मुनि नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि दुर्गा को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, दुर्गा को देवी मानकर नहीं, दुर्गा को एक तत्व मान करके करिए। जब आप तत्व मान करके करेंगे, जब उस दुर्गा को आप बाहर नहीं अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब वो आपको मिलेगी, तब वो आपको प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती कोई तांत्रिक ग्रंथ नहीं है, वो कोई तांत्रिक प्रयोग करने वाली कुंजी नहीं है। दुर्गा सप्तशती साक्षात रहस्य है। और ऐसा ही एक रहस्य ये भी है कि दुर्गा सप्तशती को करने वाली कोई और देवी है, यानी कि दुर्गा सप्तशती के अंदर अनेक देवियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया और जिनके कारण वो युद्ध हुआ, बहुत देवियों के उसके अंदर वर्णन है। लेकिन उसके बावजूद एक देवी ऐसी है जो उस संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की अधिष्ठात्र देवी है, जिससे कि वो दुर्गा सप्तशती प्रकट हुई है, जिसने मार्कंडेय ऋषि को उस दुर्गा सप्तशती का उपदेश दिया था। क्योंकि जिस समय माता दुर्गा ये लीलाएं रचा रही थी या इन असुरों का वध कर रही थी, उस समय पर वहाँ पर कोई भी ऋषि नहीं थे, यानी कि मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर नहीं थे उस समय पर उनकी लीलाओं को वहाँ पर लिपिबद्ध करने के लिए या लिखने के लिए। उनको उन्होंने भगवान शिव की उपासना की थी। उन्होंने जब भगवान शिव की उपासना के बाद जब उन्होंने माता की आराधना शुरू की, तो उसी दुर्गा सप्तशती की जो अधिष्ठात्र देवी जो है, उन्होंने उनको दर्शन दिए और उन्होंने उनको उनको उस उन लीलाओं के बारे में वर्णन किया जिन लीलाओं को आज की डेट में हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। दुर्गा सप्तशती, मैंने पहले भी बोला है कि दुर्गा सप्तशती को अलग से तांत्रिक ग्रंथ नहीं बनाया गया था। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है और उसे मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुराण में ही सम्मिलित किया था। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में लोगों ने अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से, अपनी शोध से, उन्होंने दुर्गा सप्तशती के अनेक गुप्त पहलुओं को ढूंढा, उसको उजागर किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि दुर्गा सप्तशती के अंदर लीलाएं जिनकी हैं वो देवी अलग है, और जिसने उस दुर्गा सप्तशती को प्रकट किया है संसार के सामने वो देवी अलग है, वो दुर्गा सप्तशती की अधिष्ठात्र देवी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब विनियोग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हम बोलते हैं ना कि धम बीजम कम कीलकम रिम शक्ति, तो इसी तरीके से दुर्गा सप्तशती की जो शक्ति है, दुर्गा सप्तशती का जो विनियोग है, वो साक्षात वो देवी हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, उसकी आज्ञा मुझे नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा तो आप मेहनत किसके लिए करोगे? ये वो रहस्य हैं जो मैंने अपनी साधना के समय मैंने जिनको जाना था, और परमेश्वर की कृपा रही तो आने वाले समय में मैं ऐसे ही और रहस्य आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है, वो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उनको बताइएगा। और 26 तारीख से दुर्गा सप्तशती का जो शिविर है वो आरंभ हो रहा है, आप लोग कोशिश करें उस साधना को करने का। ठीक है, क्योंकि उस साधना में आपको इसी प्रकार के और भी जो रहस्य हैं वो बताए जाएंगे। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जय माँ भगवती।